नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार को बनाने के लिए पंचायत चुनाव 11 चरणों में होने वाले हैं, जिसमें से 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। बाकी के बचे चरणों के लिए सभी प्रत्याशी और उम्मीदवार अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही प्रशासन भी चुनाव को निष्पक्ष और स्वस्थ तरीके से करवाने के लिए अपनी पुरजोर तैयारी में लगा हुआ है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत सलहा प्रखंड सहदोई बुजुर्ग पहुंची और वहां के मुख्य कार्यभारक शिव प्रसाद राय से मुलाकात कर जानने की कोशिश की कि इस वक्त उनके क्षेत्र की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान मुखिया राम प्रसाद राय हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्य कार्यभारक शिव प्रसाद राय से। शिव प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। धन्यवाद। शिवप्रसाद जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कितने वर्षों का कार्यकाल रहा इस क्षेत्र में आपका। 20 वर्षों का रहा है। 20 वर्षों से है जी। तो इतना लंबा समय कार्यकाल रहा आपका, कितना विकास कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? हमने सभी क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया है जी। कौन कौन सी योजनाएं उतरी हैं शिव जी धरातल पर पूर्ण रूप से? जी, जैसे नल जल योजना है और जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं और से कहें इंदिरा आवास है, अभी जो प्रधानमंत्री आवास चल रहा है जी, गली नली योजना है, पक्की सड़क योजना है, स्कूल्स हैं, चार दीवारी निर्माण है, शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हमने इन सभी कार्यों को संपन्न किया है जी। कितने वार्ड हैं आपके क्षेत्र में? 14 हैं। तो हर वार्ड में आपके नल का जल पहुंच गया है पूर्ण रूप से? जी हाँ, पूर्ण 100% 14 वार्ड में नल जल पहुंच चुका है जी। और बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ? हाँ जी, इस पंचवर्षीय में 717 लोगों को मिला है। ऐसे कुल मिला के अभी तक मेरे काल में करीब 1800 लोगों को मिल चुका है जी। और आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है लोगों के इलाज की स्वास्थ्य केंद्र पर? हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसकी लचर व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार को इसमें सकारात्मक रूप से कुछ पहल करनी चाहिए, यहाँ अच्छे चिकित्सक की बहाली करनी चाहिए, तब जाके यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। यहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं इस जी क्षेत्र में, तो और गरीब लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उनको बड़ी नुकसान होता है, इसलिए सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। तो इलाज के लिए अगर गंभीर बीमारी हो जाए जैसा आप बता रहे हैं तो कहाँ जाना पड़ता है लोगों को? जाना हाजीपुर जाते हैं, पटना जाते हैं जी। तो जी। अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं है, अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ, स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पंचायत में एक है, हाँ, जिसका भवन भी नहीं है जी। तो इस पर कोई कार्रवाई आपने किया है? जी हाँ, सीएम साहब जी, स्वास्थ्य मंत्री को मैंने पत्र लिखा है और जी हाँ इस संबंध में लिखा है जी। तो पत्र लिखा आपने कितने दिनों पहले लिखा था? 2 साल पहले लिखा था। तो कोई उस पर जवाब नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? जी ना, अभी तक तो नहीं हुई है जी। तो बड़ी असुविधा होती होगी लोगों को इलाज जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत असुविधा होती है जी। और आपके यहाँ मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए हैं? मनरेगा के तहत हमारा पक्की सड़क योजना हुआ है और जो सोलिंग का कार्य हुआ है सभी जगह लगभग पर्याप्त हो चुका है सोलिंग का, वृक्षारोपण का कार्य संपन्न हुआ है और इसके साथ साथ जो भी स्कूल्स हैं उसमें है ना चार दीवारी का कार्यक्रम हुआ है जी। जी तो शिव जी, इतना लंबा कार्यकाल रहा आपका, तो क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों को, तो क्या लग रहा है रुझान, लोग एक बार फिर आपको मौका देंगे? जी हाँ, हर बार मिल रहा है लोगों से। जी जी, हर बार जब भी मैं चुनाव में आता हूँ तो हर बार अधिक वोट से जिताते हैं, पिछले से अधिक वोट से जिताते हैं जी, ऐसा अनुभव है और इस बार तो और अच्छा है जी। जी जी, तो इस बार आप क्या नया एजेंडा लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? हमारा इस बार एजेंडा है चुनाव का आपका जी? चुनाव का मुद्दा तो हमारा ये है कि जो सरकारी योजनाएं आता है उसका 100% हम इम्प्लीमेंट करें अपने पंचायत में, और इस बार हमारा लक्ष्य है कि व्यसन मुक्त और शराब मुक्त मेरा पंचायत बने, इसके लिए मैं काफ़ी पहल करता हूं और जो एनजीओ हैं जो उनका भी सहयोग लेता हूं ताकि हमारा पंचायत व्यसन मुक्त हो जाए, शराब मुक्त हो जाए जी। और दूसरी बात स्वास्थ्य संबंधी
स्वास्थ्य संबंधी जो है, जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी हो रही है उसके लिए कब चाहते हैं कि एक छोटा सा हॉस्पिटल बने अपना पंचायत में, जो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तीसरी बात, हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या है, जो बारिश के पानी होते हैं उसका निकासी नहीं हो पाता है, ये बड़ी समस्या है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? जी नहीं, नहीं व्यवस्था है। मैंने इसके लिए सीएम साहब को पत्र लिखा है एक महीना पहले, जी जी, और डीएम को भी लिखा है, सीएम साहब को भी लिखा है एक महीना पहले, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता है। जब भी बाढ़ की समस्या आती है लोग उसी समय सोचते हैं, जबकि इससे पहले सोचना होता है। जी बिल्कुल जी। तो इस वक्त क्या स्थिति है आपके पंचायत की? अभी तो चारों बगल से जल ही जल है, किसान की स्थिति बड़ी खराब, किसान की स्थिति बड़ी खराब है, किसान ने जो भी धान रोपा है, सब्जी रोपा है, सब दह गया। जी, तो आने जाने में भी काफी परेशानी होती होगी, आवागमन में क्या? नहीं, सड़क तो है, चारों ओर सड़क बना हुआ है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, सड़क है, ये तो अच्छी बात है। जी जी जी। ऐसी कोई कार्य, ऐसी कोई योजना जो आपको लग रहा है कि अभी तक आप पूरा ना कर पाए हो अपने कार्यकाल में और आगे करना चाहेंगे? जी, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा विद्यालय है ना, उसमें हमारा जो शिक्षक, जो छात्र के अनुपात में शिक्षक की है ना उपस्थिति हो। जी। तो सरकार की योजना है, तो ये सरकार तो काम कर रही है, हम चाहते हैं कि इसके 100% ये कार्य सफल हो। शिक्षा को मैं सुदृढ़ करूँ, स्वास्थ्य को सुदृढ़ करूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और तीसरा जो है हमारा मूलभूत समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास लोगों को नहीं है, तो करीब 1000 और आवास इस पंचायत को मिलेगा तो हम आवास के मामले में हम है ना यही हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे इसके भाव से। और जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य किया आपने अपने क्षेत्र में? जी, जल जीवन हरियाली के तहत हम सभी वार्ड में, 14 वार्ड हैं, सभी वार्ड में वृक्षारोपण का कार्य किया है, और हमारे यहाँ तो जल जमाव की समस्या है, यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में जल रहते हैं। जी जी, और इससे पहले सभी जगह बोरिंग की व्यवस्था करा दी गई है, हर एक वार्ड में जी बोरिंग की व्यवस्था हुई है ना, और पोखरा का जो है मैंने कई जगह पोखरा खनवाया है। जी, जिससे मछली पालन हुआ या पशु शेड हुआ, इस पर क्या कार्य किया आपने? जी, मछली पालन के क्षेत्र में कई जगह पोखरा खनवाए हैं, हर वार्ड में एक एक पोखरा खनवाने का मेरा लक्ष्य रहा है, और इसके साथ उसी में मत्स्य पालन भी लोग कर रहे हैं। जी, जहाँ तक क्षेत्र के लिए अस्पताल के अलावा और भी कोई मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से? जी, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कृषक लोग जाते हैं, यहाँ पशुपालन करते हैं, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हर एक कृषक को डेयरी के तहत उनको अनुदान मिले, इस पर हम काम करना चाहेंगे कि ताकि बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी हमारा दूर हो, जो कृषि पर आधारित लोग हैं उनको पूरा उसका लाभ मिले, उनको आय प्राप्त हो ज़्यादा, ताकि बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। जी जी, तो आपके यहाँ कृषि के अलावा और भी रोजगार का कोई साधन, कोई माध्यम है? जी जी, योजना कोई? हाँ जी, यहाँ छोटे छोटे लोग फैक्ट्री, हमारे सलाह पंचायत फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। जी, और हमारे सलाह पंचायत में करीब करीब 150 से ऊपर फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ घरेलू उद्योग घर में हैं। हाँ जी, जिनका मार्केटिंग भी होता है, लोग अच्छे आय करते हैं, हम चाहते हैं कि इसको और सुदृढ़ करें, सरकार इसमें सहयोग दे भी रही है, हम चाहते हैं कि इसको और सुदृढ़ करें, स्वावलंबी बनाए लोगों को। और आपके यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है, कि स्ट्रीट लाइट वगैरह लगे हैं आपके पंचायत क्षेत्र में? जी, लाइट की व्यवस्था हमारे जगह जो भी बिजली की है, हर एक घर में बिजली उपलब्ध है, और जी सभी जगह जो है हम लोग लाइट लगाए हुए हैं। आपको लगेगा जैसे कि टाउन में हम चल रहे हैं, जब कभी आप सलाह पंचायत में आए आप देखेंगे सभी जगह प्रकाश आपको मिलेंगे, प्रकाशी। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और एक आखिरी सवाल, इतने लंबे वर्षों से आप हैं, एक बार जनता फिर आपको चुने, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर आप जनता को? हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार से मुक्त अगर रखना है पंचायत को, तो आप एक सच्चे समाज सेवी, सच्चे दिल से सेवा करने वाले ऐसे लोगों को चुने, ताकि फिर आपकी सेवा हम कर सकें और आपके आशा पर हम उतर सकें। जी जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत
सलहा प्रखंड सहदोई बुजुर्ग से मुख्य कार्यभारक शिव प्रसाद राय, जिन्होंने बताया कि उनका इस क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्यकाल रहा है और इतने लंबे कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के सर्वांगीण प्रयत्न किए हैं, हर तरह से हर योजनाओं को धरातल पर उतारा है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके क्षेत्र में एक अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए, जिससे कि लोगों को इलाज के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें अपना प्यार और समर्थन देकर जनप्रतिनिधि चुनेगी। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।